मुख्यमंत्री मनोहर लाल धान बिक्री का जायजा लेने के लिए करनाल की अनाज मंडी में पहुंचे। उन्होंने किसानों, आढ़तियों व मिलरों से बातचीत की और उन्हें संतुष्ट भी किया। धान की खरीद सुचारू रूप से होगी, किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। धान का एक एक दाना सरकार खरीदेगी। उन्होंने किसानों से अपील भी की कि वह अपनी धान को सुखा कर लगाएं, मंडियों में भीड़ से बचें, व्यवस्था को बनाएं, किसी के बहकावे में ना आए। हरियाणा सरकार किसान हितेशी सरकार है। जो भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है वह किसान के भविष्य को देखते हुए किया जा रहा है। इन तीन कानूनों के परिणाम आने वाले समय में बेहतर होंगे और विरोध करने वालों को अपने आप जवाब मिल जाएगा। विरोध करने वालों ने पिछले 60 सालों से किसानों के हित की नहीं सोची। यदि सोची होती तो किसान का यह हाल नहीं होता। उन्होंने मंडी सचिव को निर्देश दिए कि बिना शेड्यूल के किसान मंडियों में धान लेकर आ रहे हैं, उन्हें आढ़तियों की सलाह से गेट पास दिए जाए और उनकी धान खरीदी जाए। उन्होंने अपनी उपस्थिति में बड़ौता निवासी किसान रणबीर की धान की नमी 3 बार चेक करवाई, जिसमें 19% नमी पाई गई। उस ढेरी की अपने सामने बोली करवाई। सरकारी बोली 1888 रुपये से शुरू हुई। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश महामंत्री वेदपाल एडवोकेट, जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय भट्टा, पूर्व जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद मौजूद रहे। उसमें वो सहमति दे गए और राइस सेलर्स की जो मांग वगैरह थी वो भी वहाँ से पहले मांग हुई। क्या कहेंगे सर मुख्यमंत्री के दौरे के बाद? अब देखते हैं, जब जैसे चलता है जैसे चलेगा उसके बाद पता लगेगा। आज मंडी में उन्होंने बोली वगैरह भी लगाई उस चीज़ को। वो मॉइस्चर लिखा है, वो मॉइस्चर 15 था, अब 15 की चीज़ मॉइस्चर आ नहीं सकता ना। अब जो 15 मॉइस्चर की फसल आ रही है मंडियों में तो उनको क्यों रोका जा रहा है? हमने तो एक मांगी थी, उनको आने दिया है। तो 17% से कम थी और उसकी बोली एजेंसी ने भी लगाई। एजेंसी को 1880 का मैक्सिमम रेट है, उसके ऊपर वो खरीदते नहीं हैं। आड़ती ने 1890 जो दूसरे बायर थे उन्होंने 1890 रुपये में बोली लगा के उसको ले लिया। लेकिन 2 रुपये का लाभ किसान को मिला है तो भी खुली बोली में कोई भी इसको आगे खरीद सकता है, तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी प्रकार दूसरी ढेरी संयोग से वो किसान भी वही था सेम, उसके सामने 3 बार चेकिंग की है तो 3 बार 19 से ज़्यादा उसकी मॉइस्चर आई है, तो उसको कह दिया गया कि इसको एक दिन के लिए सुखाएं और इसको 19 से नीचे लेकर के आएं। तब सर किसानों ने बात रखी सरकारी पोर्टल्स कभी भी सही तरीके से नहीं चल पाते हैं, क्यों खामियां होती हैं, जबकि प्राइवेट जो पोर्टल्स होते हैं वेबसाइट्स बनाई जाती है, आईटी एक्सपर्ट से बनाई जाती है, कोई कमी परेशानी नहीं आती? देखिए इसमें उस पोर्टल में इस बार कुछ नई चीज़ों के प्रावधान किए गए हैं और जैसे बाहर के जो लोग हैं हरियाणा के बाहर के लोगों के मांग के लिए रजिस्ट्रेशन का किया जाए वो भी उसमें डाला गया है। और इस बार पहली बार गेहूँ के साथ साथ बाजरा और कपास ये चीज़ें भी उसमें लोड की गई हैं। तो ऐसे नए फीचर डालने के बाद लोड ज़्यादा पड़ रहा है, तो भी उन्होंने कहा कि हम एक दिन के अंदर इस सारे को ठीक करेंगे, लगातार लगे हैं। और मैं समझता हूँ जैसे 3 दिन 4 दिन किसानों ने, आढ़तियों ने और मिल ओनर्स ने सबने कोऑपरेट किया है, 1-2 दिन किसानों के साथ मिला मिल करके 1 या 2 दिन कोऑपरेट करेंगे तो सर आपको नहीं लगता कृषि कानूनों को लेकर लेकर JGP पर समर्थन वापस लेने का दबाव बढ़ रहा है सर? भैया मुझे इसमें कोई बात अन्यथा लगती ही नहीं है। जो 3 कानून बने हैं ये किसान के हित में है और किसान के हित में जब हम कह रहे हैं तो JGP इसको समझती है। केवल इनको वो लोग बरकरार रहे हैं इन चीज़ों को जो ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और ये जो कांग्रेस के झूठ हैं ये लगातार झूठों में घिरती चली जा रही है। आज नहीं, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं किसी भी बात पर जो कोई नया परिवर्तन लेकर के आते हैं, क्योंकि कांग्रेस पिछले 70-73 साल से यथास्थितिवादी पार्टी है कि कुछ बदलना नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। इसी के हित में नए जो भी व्यवस्थाएं की जाती हैं उसका हमेशा हम विरोध करते रहे हैं, उसी में ये विरोध भी जुड़ा हुआ है। आने वाले इस सीजन के बाद किसान को लगेगा जब हमारा हमें ऊपर सारी फसल बिक रही है, ठीक व्यवस्था से बिक रही है, पैसा सीधा किसानों को जाना शुरू हो गया है, कोई दुविधा नहीं है, तो किसान समझदार है, जल्दी समझ जाएगा। चुनाव समिति की बैठक है सर, चुनाव समिति की बैठक है, क्या कुछ तैयारी है सर बैठक में? राइस मिलर से बातचीत हुई आपकी, छोटी छोटी समस्याएं वो सारी जानी है। मेन उसमें जो पोर्टल वाली बात उन्होंने बताई है और किसानों ने आरोप लगाया कि यूपी जो
टापू पुल और जो मंगलोरा का पुल है वहाँ से जो ट्रॉली आती है 500,000 रुपये कुछ पुलिस कर्मचारी वहाँ पर लेते हैं उनसे ट्रॉली। पहली बात तो गलत है, लेकिन वहाँ पर जब उनको कहा गया है कि बाहर के लोगों को जल्दी नहीं आना चाहिए, 5 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन की खुले तो उसके बाद उनको आना चाहिए, तो ये कुल मिलाकर ऐसी व्यवस्था में सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। सर चुनाव समिति की बैठक है आज, आज भारतीय जनता पार्टी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।